दोस्तों, वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जमैका के धावक यूसेन बोल्ट की अतुल्य रफ्तार का रहस्य अब समझा जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक गणितीय मॉडल विकसित किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यूसेन बोल्ट के शरीर की 5 फीट 6 इंच की लंबाई और उनकी शक्ति और ऊर्जा का समन्वय उनको सबसे तेज रफ्तार वाला बेजोड़ धावक बनाता है। यूसेन बोल्ट ने बर्लिन विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर की दूरी 9.58 सेकंड में पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। द यूरोपियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार एक खास मॉडल के सहारे यूसेन की तेज रफ्तार का रहस्य खोजा जा सकता है। इसके अनुसार बोल्ट ने 9.58 सेकंड में 100 मीटर का लक्ष्य अपनी रफ्तार को 12.2 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचाकर हासिल किया, यानी बोल्ट 27 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे थे। बोल्ट की रफ्तार का विश्लेषण करने वाली टीम ने पाया कि बोल्ट में सर्वाधिक शक्ति तब पैदा हुई जब वह दौड़ में आधी रफ्तार पर 1 मीटर की दूरी सेकंड से भी कम समय में तय कर रहे थे। इस प्रदर्शन से रफ्तार में आने वाली बाधा का तात्कालिक प्रभाव देखा जा सकता है, जहाँ हवा का प्रतिरोध गतिशील वस्तुओं की रफ्तार को धीमा कर देता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूसेन बोल्ट के दौड़ने के दौरान मांसपेशियों से पैदा होने वाली ऊर्जा का लेवल 8% इस्तेमाल हो रहा था, बाकी ऊर्जा हवा द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध में खत्म हो रही थी। नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी के जॉर्ज हर्नांडेज कहते हैं कि हमारी गणना से बोल्ट की विशिष्ट प्रतिभा का पता चलता है। एरोडायनामिक यानी वायुगतीय रूप से उनसे ज्यादा क्षमता वाले मनुष्य हो सकते हैं। इस क्षमता विरोध के बावजूद बोल्ट ने कई रिकॉर्ड अपने किए हैं। 2009 में बोल्ट ने असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड बनाया था। जॉर्ज हर्नांडेज कहते हैं, आजकल रिकॉर्ड तोड़ना काफी कठिन हो गया है, यहाँ तक कि सेकंड के 100वें हिस्से से भी रिकॉर्ड तोड़ना बहुत बड़ी बात है। धावक की बढ़ती रफ्तार के साथ विपरीत दिशा से लगने वाले अवरोध तेजी से बढ़ोतरी होती है। इस कारण धावकों को रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने के लिए अवरोध से निपटने में सारी ताकत झोंकनी पड़ती है। ऐसा पृथ्वी के वातावरण की भौतिक बाधाओं के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग का इस्तेमाल 1968 से हो रहा है। बर्लिन में जब बोल्ट दौड़े और जो समय रिकॉर्ड हुआ वो 1968 से लेकर तब तक के रिकॉर्ड में सबसे बड़ा सुधार था।